अब तक आपने देखा किस प्रकार साहूकार द्वारा रामा का अपमान सुन भास्कर उसे सबक सिखाने हेतु दरबार जाने की बात करता है। तथाचार्य भास्कर को वर्तमान के धर्मगुरु धनीचार्य और मनीचार्य के पास ले जाते हैं। धनी मनी भास्कर में रामा की छवि देख बौखला जाते हैं और उसे दरबार ले जाने से मना करते हैं, किंतु भास्कर उन्हें विश्वास दिलाता है कि यदि उन्होंने सहायता नहीं की तो भास्कर दोनों को अपनी युक्ति से निष्कासित करवा देगा। अब आगे तो भास्कर तुम दरबार जाकर करोगे क्या? एक छोटा सा कार्य, किसी को न्याय दिलवाना है। किसको न्याय दिलवाना है? गोपैया किसान को, साहूकार सदानंद से। तो मिल जाएगा, परंतु इस राज्य में नहीं, किसी और राज्य में। वो क्या है ना भास्कर, तुम इतने वर्षों के बाद आए हो विजयनगर, तो कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि विजयनगर से न्याय करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस एक बार दरबार में प्रवेश दिलवा दीजिए, उसके पश्चात मैं स्वयं यहाँ से सदैव के लिए चला जाऊंगा। दरबार में जाके न्याय दिला के चले जाओगे ना वापस? हाँ, वापस फिर लौट कर विजयनगर तो नहीं आओगे ना? नहीं। इस बात की शपथ ले सकते हो तुम? हमारी आत्मिक शांति के लिए अवश्य ले सकता हूँ, केवल आप दोनों की आत्मिक शांति के लिए। आपको मनीचार्य की शपथ और आपको धनीचार्य की शपथ। मनीचार्य जी, इस भास्कर को एक बार केवल दरबार ही तो लेके जाना है। हाँ हाँ धनीचार्य जी, हमें कौन सा कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा करवानी है। परंतु सुनो, वापस फिर यहाँ रुकोगे तो नहीं? कदापि नहीं, दो दो शपथ दे चुका हूँ। हाँ तो चलो हमारे पीछे आ जा। सावधान, मस्तक नमन में झुकी रहे, अनंत काल तक जिनकी आभा रहे, विजयनगर के गौरव दूर दृष्टि न्याय प्रिय श्री महाराजा जी पधार रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? महामाते जी प्रणाम, मैं आपसे ही भेंट करने आया हूँ। आप मुझे दरबार में किसी भी छोटे मोटे कार्य पर नियुक्त कर देते तो। सावधान, आंखें आदर में झुकी रहे, समय की गति रुकी रहे, विजयनगर के रक्षक महावीर सदाचारी महाराजा धीराज श्री बाला कुमार पधार रहे हैं। महाराज बाला कुमार की, 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 महाराज बाला कुमार की। इस व्यक्ति ने हमारे दरबार में घुसने का साहस कैसे किया? अति शीघ्र इसे दरबार से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए। महामाते जी, हमारे आदेश का पालन, इस व्यक्ति को धक्के मार कर निकाले जाए। सैनिक, अरे तू, मेरा दोष क्या है? अरे मुझे मेरा दोष बताओ, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मुझे मेरा दोष बताओ। ये
आज की यहीं पर समाप्त होती है। हमारा विक्षिप्त हो गया है, ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया मेरे साथ? हमने भी उसका यह आश्चर्यचकित करने वाला व्यवहार पहली बार देखा है। भास्कर, पिछले जन्म में अवश्य ही तुमने कुछ इसका बुला किया होगा, जो इस जन्म में तुम्हें देखते ही से याद आ गया। चाचू, मैंने बाल्यावस्था में इतनी शरारतें और कांड किए हैं ना कि बापू परेशान हो जाते थे। अब मुझे कल का तो याद नहीं रहता, पुराने जन्म में क्यों पढूं? ए भास्कर, भास्कर, हमें विश्वास हो गया है कि तुम पंडित रामाकृष्णा के पुत्र हो, फिर ये बार बार दरबार से बाहर निकल कर क्या दिखाते हो? अरे पंडित रामाकृष्णा भी दरबार से निकाले जाते थे, और तुम तो अपने पिता से एक कदम आगे निकले। वो तो दरबार से बाहर निकाले जाते थे, तुम तो दरबार में कदम रखते ही उठाकर बाहर फेंकवाए जाते हो। दादा, ये दरबार से उठाकर बाहर फेंकाने वाली सेवा का अब मैं और लाभ नहीं उठाने वाला। एक बार गोपैया को न्याय मिल जाए, उसके बाद कोई भी रास्ता पकड़कर मैं निकल लूंगा। अब क्या करोगे, दलबाल से भी निकाले जा चुके हो, उसके बाद कभी वापस भी नहीं जा पाओगे। मैं दरबार नहीं जा सकता तो क्या हुआ, अब दरबार मेरे पास आएगा। हैं ये ले भास्कर, लड्डू खा ले, साले का साला डब्बा खाली कर दे और अपने मस्तिष्क से ये जिद भी बाहर निकाल दे। इस पेड़ के नीचे भला दरबार कैसे लगाओगे तुम भास्कर, क्या न्याय करोगे? न्याय के ऊपर से तो विजयनगर वासियों का ऐसा विश्वास उठता है, न्याय लेने वो दरबार नहीं जाते हैं, यहाँ आने की तो सोचेंगे भी नहीं। चमत्कार करोगे क्या? चमत्कार ही होने वाला है ताता, न्याय रूपी चमत्कार। कैसे, क्या सोच रहे हो? और ये चमत्कार अर्थात न्याय देखने आएगा कौन यहाँ पर? आएंगे, सब आएंगे। कैसे आएंगे? अभी उनकी समस्या है कैसे आए, चलकर आए, घोड़े पर सवार होकर आए या उड़कर आए? पर वो ओ दादा, जैसे लड्डू का स्वाद मुंह में घुलता है पर करता तुम्हारा प्रश्न सामने आ जाता है। मैं को बताता हूँ, मुझे ये बताओ क्या गोपैया अकेला ऐसा व्यक्ति है जो साहूकार का शिकार हुआ है? नहीं,
यदि सूची बनाई जाए तो आधा विजयनगर उसके अत्याचार से पीड़ित होगा। हाँ, अर्थात जो लोग साहूकार के भय से न्याय मांगने दरबार नहीं गए वो यहाँ तो आएंगे। न्याय मांगने नहीं, न्याय होते देखने आएंगे। अतः ताता, साहूकार तक सूचना भिजवानी है, शेष सभी लोगों तक सूचना स्वयं पहुंच जाएगी। क्या समझे? समझे। पंडित रामाकृष्ण? नहीं भास्कर, एक ही बात है। परंतु ये विजयनगर से अभी तक गया क्यों नहीं? रोको पालकी। यहाँ तुम क्या कर रहे हो? लड्डू खा रहा हूँ, बहुत अच्छे। खाओगे? नहीं खाएंगे। तुम्हें याद है कि भूल गए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना था? स्मरण है, किंतु मेरे प्रस्थान का मुहूर्त तो गोपैया को न्याय दिलाने के पश्चात का है ना? कौन सा न्याय? तुमने कहा था कि हमें एक बार दरबार ले चलो, हम तुम्हें दरबार ले गए, अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो। यही तो समस्या है बड़े लोगों की। आप ठहरे बड़े लोग, राजगुरु, महान ज्ञानी, ज्ञानियों के ध्यान में छोटी बातें नहीं रहती। कौन सी छोटी सी बात? आप ही ने कहा था दरबार जाओ, गोपैया को न्याय दिलाओ, उसके बाद विजयनगर से जाना, भूल गए? हमने कहा था? मणिचार्य जी, हमने नहीं कहा होगा, आपने कहा होगा। व्यर्थ की बातें आपके मुख से निकलती हैं धनीचार्य जी। मैं कह रहा हूँ मणिचार्य जी। अच्छा, आप रहने दीजिए, व्यर्थ की बातें करने का क्या लाभ? परंतु परंतु क्या? तो राजगुरु के मुख से निकले कथन बात नहीं, वचन होता है। हाँ, सीखो इनसे कुछ, इतने वर्षों तक आप दोनों के गुरु रहे हैं। हाँ, तभी तो आज इस स्थिति में है। अरे, आपके मुख से निकला कथन पत्थर की लकीर समान है। तो उस पत्थर को तोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। अरे, किंतु पत्थर की लकीर में पत्थर तो आप दोनों ही है ना? हाँ, ये दोनों पत्थर ही तो हैं। नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप दोनों ने हमारे समक्ष पथरीले शब्द का प्रयोग किया। हाँ, मैंने भी सुना था। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम सही कह रहे होगे। मुझे भी कुछ याद तो आ ही रहा है। अब मैं कैसे आप दोनों की कही हुई बात से मुकर जाऊं? कैसे आप दोनों को झुठला दूं? पर लोग क्या कहेंगे कि आप दोनों की बातों का कोई मूल्य नहीं, दोनों राजगुरु व्यर्थ हैं। आज यदि मैंने आप दोनों की बात नहीं रखी ना, तो कल कोई नहीं रखेगा। फिर धीरे धीरे आपकी बातों का महत्व तो समाप्त, और फिर हम समाप्त। हाँ, न्याय गोपैया का होगा और लाभ तुम दोनों को होगा। और न्याय दरबार में नहीं, क्या होगा? यहाँ। हाँ, आप दोनों जाकर साहूकार को सूचित कर दो कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है, जो कल तीसरे पहर यहीं फूटेगा, और उसमें से निकलेगा न्याय, और उस न्याय की सार्थकता के लिए 5 साक्षी भी होंगे। 5 का? चलो। चलिए। सबसे प्यारा पुत्र और पुत्र से प्यारा सूत। ये भास्कर कौन है? साहूकार जी, उसका नाम तो वही था जो है भास्कर। कौन है जो हमारे विरुद्ध निर्णय दे और न्याय करे? क्या बनाया है ये? कितनी बार कहा केसर युक्त बनाया करो जी, इस राज्य में किसी को समझ ही नहीं। हाँ, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। पंडित रामाकृष्णा का पुत्र जो है। रामाकृष्ण पंडित? वो
अरे उन्हें जमाना हो गया मरे हुए तो, परंतु वंश भी तो आगे बढ़ा चुका है। भास्कर आयो 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 आयो, ये यहाँ आ गई। तुम यहाँ से गई नहीं? चला जाऊंगा, तुम्हें इतनी शीघ्रता क्यों है? मुझे नहीं, तुम्हें मुसीबत में फंसने की शीघ्रता है। एक से बचे नहीं और दूसरे में फंसे नहीं, चले जाओ यहाँ से। किसकी राह तक रहे हो? न्याय की। वर्षों बाद इस स्थान पर पहले न्याय आएगा, फिर मैं जाऊंगा। मैं तुम्हारे न्याय की हवाई बातों में नहीं आने वाली। यदि तुम्हारे कारण मेरे परिवार को कुछ भी हुआ ना, तो तुम देख लेना। अभी ये पोटली पकड़ो, इसमें भोजन है, इसे भी साथ लेकर जाओ। पुत्री, तुम बचाती भी हो, खिलाती भी हो, फिर धमकाती भी हो, चाहती क्या हो? तुम्हें बचाना चाहती हूँ। सच में? स्वयं को बचाना चाहती हूँ। तुम्हारे कारण हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। और एक बात, तुम्हारे बापू ने वर्षों पहले मुझे एक पत्र दिया था। उन्हें भरोसा था कि तुम आओगे और मुझसे जरूर मिलोगे, तो यहाँ से जाने से पूर्व अपनी अमानत मुझसे ले लेना। अरे कैसे न्याय दिलाएगा उस किसान को? अरे जिस पेड़ के नीचे बैठा है, क्या उसकी शाख को हिलाएगा और न्याय टपक कर गिर पड़ेगा? कोई साक्षी है उसके पास? कौन है जो इस संपूर्ण राज्य में हमारे विरुद्ध साक्षी बनेगा? उस भास्कर को एक भी साक्षी नहीं मिलेगा, ये तो पता नहीं। हाँ, परंतु एक नहीं, पांच साक्षी तैयार हुए हैं। अरे आखिर कहां से लाओगे पांच पांच साक्षी? अब तक कहां छुपे बैठे थे? और आखिर तुम हो कौन? भास्कर नाम है मेरा। भास्कर का अर्थ पता है साहूकार महोदय? सूर्य, सूर्य की भांति ना मैं स्वयं छुप सकता हूँ, ना ही मुझे कोई छुपा सकता है। बस यहाँ अन्याय के बादल छाट कर न्याय की रोशनी देने आया हूँ। यही तो है पंडित रामकृष्णा का पुत्र जिसके विषय में हमने आपको बताया था। भास्कर, भास्कर, पूरे विजयनगर में फैल गया है कि वर्षों के बाद विजयनगर में न्याय होने वाला, वो भी तुम करने वाले हो। और वैसे आज तक मैंने कभी किसी को कुछ दिया नहीं है, आज पहली बार देना चाहता हूं, और वो है एक सुझाव। अरे तुम्हारे पास तो तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है, उस पर न्याय करो। वही कर रहा हूं साहूकार महोदय। सबसे प्यारा पुत्र और पुत्र से प्यारा सूद। अरे न्याय तो बहुत दूर की बात है। अरे एक साक्षी तो आए हमारे सम्मुख, हमारे विरुद्ध। अरे यहाँ तो चींटी हमारे आदेश के बिना अपना दाना लेकर नहीं जा सकती, तो फिर ये साक्षी कहाँ से आएंगे? अरे कौन है? अरे नाम तो बताओ। दादा, हम साक्षी। दादा, प्रकृति का मूल क्या है? भास्कर ताता मत कहो ना। अरे हमारी आयु ही क्या है? जितनी बची है उतनी बीत जाए, उसके पूर्व बता दो प्रकृति का मूल क्या है, वो किससे बनी है? प्रकृति का मूल, हाँ, पांच महातत्व। और वो क्या क्या है? वो हैं धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। और यही महा पांच तत्व कल तीसरे प्रहर यहाँ एकत्रित होंगे ये सिद्ध करने कि गोपैया के साथ अन्याय हुआ है।